मध्य प्रदेश के नेमावर में 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण एवं तवा और वर्गी जैम के गेट खोलने के कारण बुधवार को नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2.5 फीट ऊपर की ओर पहुंच चुका है। अभी बढ़ते जलस्तर के चलते नगर के वार्ड नंबर 14 एवं 15 से कुछ परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ठहराया गया है। उधर नर्मदा तट के गाँव में ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नगर परिषद CMO अनिल जोशी एवं ओम प्रकाश यादव ने बताया कि निचली बस्ती हनुमान टेकरा के वार्ड से करीब 20 परिवारों को स्कूल भवन एवं सुरक्षित धर्मशाला भवनों में शिफ्ट करने के लिए ट्रैक्टर लगाए गए हैं। रविवार की शाम 6 बजे से सोमवार की शाम 6 बजे तक नर्मदा का जलस्तर करीब 12 फीट हाइट में बढ़ा है। सुबह से ही SDM खाते गाँव, SDOP अलावा TO उपेंद्र छारी, तहसीलदार इक्का, CMO अनिल जोशी अपनी टीम के साथ बाढ़ आपदा प्रबंधन में मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। फिलहाल नर्मदा का जलस्तर बढ़ोतरी पर चल रहा था। SDM सोलंकी ने बताया कि अभी रात के 8 बजे से 9 बजे तक रात्रि तक जलस्तर के और भी बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। निरंतर बारिश के कारण मां नर्मदा जी का जलस्तर 1 फीट प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है एवं जामनेर नदी का पानी नगर की निचली बस्तियों में आने की प्रबल संभावना है। अतः निचली बस्तियों में निवासरत परिवारों को सूचित किया जाता है कि अपने अपने परिवारों के साथ अपना अपना घरेलू सामान प्रशासन द्वारा चिन्हित सुरक्षित स्थानों जैसे गुजर समाज धर्मशाला, कन्नौज वाली धर्मशाला, जाट समाज धर्मशाला, सत्यनारायण मंदिर, नीला समाज धर्मशाला, बिश्नोई मंदिर इत्यादि सहित समस्त शासकीय विद्यालयों में लेकर अनेक समय खड़ा हूँ। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे के देवास जिले और हरदा जिले को जोड़ने वाले नर्मदा नदी कल से ही उफान पर है। बरंगी और तवा डैम के गेट खोले जाने से नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और स्थिति यह है कि जलस्तर अभी भी बढ़ रहा है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कुछ बस्तियों को खाली कराकर वहाँ के लोगों को शिफ्ट किया गया है और उनके भोजन की व्यवस्था भी की गई है। समाचार एक्सप्रेस के लिए अनिल उपाध्याय। मैं नर्मदा नदी के पुल पर खड़ा हूँ और बहुत से पर्यटक और सैलानी नर्मदा नदी के उफान को देखने के लिए आए। हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? मैं फर्स्ट टाइम ब्रिज पर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कौन कौन लोग आए हैं आपके साथ? मेरी बड़ी अम्मा, मम्मा, पापा, भैया, छोटा भाई। हम आपसे भी जानना चाहते हैं आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भैया आप बोलोगे? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।